एक स्टेमिना बढ़ाने के लिए खाने में काली मिर्च, मक्का पाउडर और दालचीनी का सेवन कैसे करें, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। ये तीनों भी आइटम्स अपने घर में रह सकते हैं। किचन में तो मसाले में काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर और दालचीनी रहती है, हम खाते ही रहते हैं, मगर उसका भी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह आपने लेना है ताकि उससे आपकी सेक्स पावर बढ़ेगी। आपको ना कोई गोली लेने की ज़रूरत है, ना कोई एफ्रोडाइजिया चाहिए इसके अलावा, ना आपको वायग्रा लेना पड़ेगा, ना कोई आयुर्वेदिक अलग से दवाई लेनी पड़ेगी। तो नंबर एक वो है ब्लैक पेपर। ये वीडियो आखिरी तक देखो, आपको समझ में आएगा कि ये तीनों भी चीज़ हम लेते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा, और वो जरूर कमेंट में आपने डालना है कि आपको कितना फायदा हुआ। तो नंबर एक जो है वो है ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। ये काली मिर्च जो है ना वो हमारे किचन में मसाले में रहती है और हम रोज़ खाते हैं, हम सब्जी में डालेंगे, दाल में डालेंगे या कोई भी आइटम बनाते हैं उसमें ये काली मिर्च जो है उसका वापर किया जाता है। और काफ़ी लोग काली मिर्च मतलब रेगुलरली खाते रहते हैं। काली मिर्च से क्या होता है, काली मिर्च से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ती है और सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और सेक्स ड्राइव बढ़ाने में काली मिर्च बहुत मदद करती है, बहुत मददगार रहती है। काली मिर्च आप थोड़ी ज़्यादा लेना है, सब्जी में डालना है या दाल में डालना है या जो भी आप आइटम खाते हैं उसमें, और नहीं तो सिर्फ यह है कि काली मिर्च का आधा चम्मच ले लो, ये अपना टीस्पून रहता है वो चाय का चम्मच, छोटा चम्मच रहता है उसमें का आधा चम्मच लेना है, डाल देना है मुँह में, ऊपर से पानी पी लो या पानी में डालो उसको घोल दो और पानी पी लो। आप सुबह शाम ये करते हैं और 6 हफ्ते तक करते हैं तो आपको इसका फायदा जरूर होगा। ब्लैक पेपर, दालचीनी नंबर एक। नंबर दो मक्का पाउडर। मक्का पाउडर जो है वो भी वो इजीली मिल जाती है और मक्का पाउडर जो है उससे अर्जिनिन लेवल बढ़ती है। अर्जिनिन जो है ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए ज़रूरी है और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी जो खून की नलियाँ हैं उसको रिलैक्स करने के लिए फ़ायदा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो इसलिए मक्का पाउडर जरूरी है। तो मक्का पाउडर क्या है कि 3 ग्राम्स पर डे मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक छोटा चाय का चम्मच जो है वो पूरा भर के वो भी डालना है पानी में, और पानी में डाल के उसका सुबह शाम आप सेवन करना है। एक चम्मच मक्का पाउडर सुबह और एक चम्मच मक्का पाउडर शाम को। मक्का जब आप लाते हैं तो मक्का पीस के उस मक्के के अच्छे बड़े बनते हैं तले हुए, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत टेस्टी भी लगते हैं और वो आप खाते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। और हम बड़ा नहीं खा सकते तो रोज़ आप मक्का पाउडर ले सकते हैं। मक्का सब्जी में होता है, मक्का सब तरह यूज़ किया जाता है, मगर हम रोज़ मक्का पाउडर लेते हैं तो बेहतर है। नंबर तीन जो है वो है सिनेमॉन। अब सिनेमॉन जो है वो दालचीनी बोलते हैं जिसको, और दालचीनी जो है वो लिबिडो मतलब सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ाने के लिए, शुक्राणु उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है दालचीनी। वो भी हमारे मसाले में रहती है, वो तो हम खाते रहते हैं, मगर इसका स्पेशल जो है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है कि आपने आधा चम्मच दालचीनी 1 गिलास दूध में डालना है और उसको अच्छा उबालना है, ठंडा करके रात को सोने के पहले पी लेने का है। आप ये 6 हफ्ते तक करते हैं तो आपको जरूर फायदा दिखेगा। उसमें करना क्या है, सोमवार से शुक्रवार आपने लेना है, शनिवार रविवार उसको ऑफ देना है, नहीं लेना है, 2 दिन 5 दिन लेना है, 2 दिन ऑफ करो, ऐसा 6 हफ्ते तक आप ले लो। इसमें आपको बहुत फायदा हो सकता है, ये सुबह शाम भी आप ले सकते हैं दोनों टाइम, मगर 5 दिन लेना है। ये 75 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट वो हिसाब से आप ले सकते हैं कैलकुलेट करके। और इसमें दालचीनी का ऑयल भी आता है। अब दालचीनी का ऑयल जो है वो यदि आप पेनिस को लगा के मालिश करते हैं साथ साथ, मतलब आप पीते भी है और ऑयल जो है उसको लगाते हैं, दालचीनी के ऑयल से नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ जाती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल जब बढ़ जाती है तो उससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है पेनिस में, ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाती है इरेक्शन हो जाएगा, सिंपल। तो ये आप दालचीनी का इस्तेमाल पेट में डाल के या लोकल भी करके कर सकते हैं। तीनों भी आइटम जो है मैंने बताया, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, मक्का पाउडर और सिनेमॉन मतलब दालचीनी, तीनों का सेवन भी आप रोज कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, एक के पीछे एक कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं,
भूखे पेट ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ में ले सकते हैं। और दूध का तरीका मैंने बताया कि दूध में जब आप डालेंगे दालचीनी तो उसको बॉईल करके उबाल के लेने का है। 6 हफ्ते तक आप ले लो, आपको तीनों लेके क्या फ़ायदा हो गया, या आपने एक 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 लिया उसके साथ में फ़ायदा हो गया, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मुझे देख के खुशी हो जाएंगे कि आपको कितना फ़ायदा हो गया, कितने लोगों ने किया। और आपको ये घरेलू उपचार है, ये इजीली अवेलेबल है, और ये ना सिर्फ सेक्स के लिए, इन जनरली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, बीमारियाँ बाकी कम हो जाएंगी, और बॉडी का इन्फेक्शन जो है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन, अंदर से सूजन आती है हमारे बॉडी को, ये आपको पता होगा, ये अंदर की सूजन कम करती है, तो जॉइंट पेंस के लिए भी फ़ायदा होगा और हल्का हल्का लगेगा, इन जनरल आपकी हेल्थ सुधर जाएगी, तो सेक्सुअल हेल्थ भी सुधरेंगी और फिजिकल हेल्थ भी आपकी सुधर जाएंगी। तीनों का सेवन करके जरूर आपको कितना फ़ायदा हो गया ये डाल दो, कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई दवा लेके उसके साइड इफ़ेक्ट्स लेने की ज़रूरत है। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को सेंड करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपके कुछ सवाल होंगे तो आप हमें ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, और मैं आपको ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।